अरे गुरुजी, आपका तो फसल गुलाब की बहुत अच्छी हुई है यार तुम्हारी। हाँ अच्छी हुई है भैया। अब जो इस पे 2 लहान उतरवा दिए हैं, मंडी पहुंचवा दिए 3 गाड़ी। अब जो बस 3-1 दिन में बस गाड़ी तैयार हो जाएगी, बस आ रही है फसल। फिर तो ये किसान काम बढ़िया कर रहे हैं ना? किसान का बस चल रही है मेहनत, पर तो है मंडी में तो भाव नहीं मिल रही है। चलो तो भाव उतरते चढ़ते रहे ही है मंडी के। बाकी वहाँ लग रहे हैं भैया, जैसे भी मार पड़ रही है सरकार की। वैसे एक बात है कालू भाई, आजकल दुनिया में धरबर ना रही हो किसी को भी। धरबर तो किसी को ना रहे, सब चल रहे हैं अपने, कोई किसी की जमीन हड़प ले, कोई कुछ कर ले, आजकल बहुत चल रहा है। बहुत बुरा आतंक चल रहा है यह बात को तो। चलो ये सब तो होते चलते रहे हैं, छोड़ इस बात को। अरे देखो बिजली आ गई, दिखे? हाँ बिजली आ गई। चलो पानी देखता मैं। हेलो। हाँ सर, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ सर। और सर जो यहाँ के किसान है ना, मैं उनसे बात करके अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके सर, ओके, ठीक। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ लगाऊंगा मैं अपनी फैक्ट्री और इतना अच्छा बिजनेस चलेगा यहाँ पे, मस्त बिल्कुल पैसा कमेगा पैसा। उधर एक किसान बैठा, उससे बात करता हूँ। अरे भैया। हाँ जी, इधर आओ। मैं। हाँ जी, वैसे बोलिए भैया, ये जमीन किसकी आप बता सकते हो मुझे इसके बारे में? भैया ये 10 बीघे जमीन तो मेरी है और वो 15 बीघे जमीन मेरे छोटे भाई की है। आप बताओ आपको क्या करना है? अरे मुझे आपकी जमीन चाहिए, मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। भैया हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते, ये जमीन ही हमारा सहारा है, इस जमीन से ही हमारा घर चलता है, इस जमीन के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। अरे भाई जब तुम्हारी जमीन बिक जाएगी ना ये, तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, ढेर सारा। तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराम से बैठ के खाना घर पे। वो पैसा कितने दिन चलेगा साहब? साल दो साल बस, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? देखो ये कहता हमें चाहिए या प्यार से या हथियार से, तरीके सब जानता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा पैसे लेकर, ठीक है? मुझे खेत खाली चाहिए। अरे साहब सुनो तो, हमारा इस जमीन के अलावा और कोई सहारा नहीं है। के लिए सरपंच के पास जाता हूँ। हाँ, अरे वो खरंजे वाला काम हुआ नहीं हुआ? अरे सपेरे वाली बस्ती में खरंजा का जो ऑर्डर दिया है, उस काम को जल्दी से पूरा करा दो। बिल्कुल ठीक है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें, जल्द से जल्द काम होना चाहिए, मुझे करंट में काम चाहिए बिल्कुल। ठीक है सर। और जयवीर कैसा आना हुआ आज? सरपंच साहब मेरे खेतों पे एक आदमी आया था, प्रधान जी वो मेरी जमीन छीनने की बात कर रहा हो और मुझे धमकी दे के गया, अब बताइए मैं क्या करूं? अरे जयवीर तू टेंशन मत ले, अपने खेतन पे आराम से काम कर, जब वो आए तो मुझे बुला लीजिए, मैं अपना आप देख लूंगा उन्हें। सरपंच साहब राम राम, मैं चलता हूँ, जैसे वो आगा आपको बता दूंगा। अरे जयवीर, और क्या हाल है? बस ये बढ़िया। अरे यार हमारे मटके का पानी खत्म हो गया, तेरे यहाँ पानी होता है? जरा यार पानी पिया दे, बहुत तेज प्यास लगी है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। धन्यवाद भाई, चल ठीक है तो काम कर ले हैं। We'll be right back.
अबे मैंने तुझसे कहा था ना कि खेत खाली कर दे, तूने खेत नहीं खाली किया ना अभी, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब ना ही तुझे खेत मिलेगा और ना ही मिलेंगे तुझे पैसे। और मैं गांव के सरपंच के पास जा रहा हूँ, ये जमीन मैं लेकर रहूंगा, ठीक है? ठीक है चलो। प्रधान जी उस गांव का फैसला था उसको करवा देते। हो तो गया वो? हो गया। 3 तारीख में फैसला हो गया, वो तो मैं गया वहाँ पे जब। अरे बहुत लोग दुखी हैं आपका, बहुत धन्यवाद, ये आपने बढ़िया किया। अरे ये तो बस जनता की सेवा है, करनी तो है ही हमें। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बैठिए। मैं बैठ नहीं सरपंच साहब, मैं किसी काम से आया हूँ, अगर आप मेरा ये काम करवा दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे बैठो तो सही यार, मेरे लायक जो सेवा होगी मैं करूँगा, बैठिए आप। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, जिससे आपके यहां के किसानों को नौकरी मिलेगी और जोर पट्टी सब खत्म हो जाएगी। अच्छा प्रधान जी, मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलता हूं, आप इनके फैसलों को देखो। ठीक है, नहीं पहुंचिए। बट आपके गाँव के किसान ने मुझे जमीन देने से इनकार कर दिया, सरपंच साहब इस मामले में मेरी मदद करो। देखो जी, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जमीन के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सोच लो सरपंच साहब, इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा, और हाँ आपको मुंह मांगी रकम दूंगा मैं, लेकिन ये जमीन मुझे चाहिए हर हालत में। अरे आइडिया तो अच्छा है, एक मिनट आप रुको, मैं भी आता हूँ। ये लो उस किसान की जमीन के कागज। अच्छा तो उस किसान को बहला फुसला कर उसके साइन करा लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद जी। ये पकड़ अपनी जमीन के कागज, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चुपचाप यहाँ पे अंगूठा लगा दे। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पकड़ो इसे और इससे अंगूठा लगाओ इसमें जबरदस्ती। मैं बर्बाद हो गया भैया, उन जालिमों ने मेरी सारी जमीन हड़प ली और मुझसे जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। पर जयवीर, तेरी जमीन के कागज तो उस सरपंच के पास रखे हुए थे, तो उन लोगों ने तेरा अंगूठा किस चीज पे लगवा लिया फिर? हाँ भाई, मैं 2-3 दिन पहले सरपंच जी के पास गया था, पर उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप अपने खेतों पर जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। अच्छा गौरव, यह मामले में प्रधान को हाथ लग रहा हूँ मुझे। सही कह रहे हो, या बनाएंगे प्रधान हम, चल हमारे गैल तो चला। देख के शरीफ ना तू हाथ लाजिए, सरपंच साहब हमने उस अंगूठा लगवा लिया है, पर ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करिए, लाइए उस जमीन की कीमत पूरी मुझे दीजिए। कौन सी जमीन की कीमत? अब वो जमीन मेरी है और वहाँ पे फैक्ट्री बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फैक्ट्री तो यहाँ जब लगेगी, जब तुम यहाँ से जा पाओगे। सरपंच साहब ये कौन है? ये है तेरे फूफा, और अब ये बनवाएंगे तेरी इमारत। खड़े क्यों, मारो इन्हें।
चार भाड़े के टट्टू और बुला ले, तुझे कंधान पे ले जाने के काम आएंगे। तेरे नाथून में सरिया दे दूंगा, बनवाऊ तेरी यहाँ फैक्ट्री। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे फैक्ट्री नहीं बनानी यहाँ पे, मुझे जाने दो प्लीज, मुझसे गलती होगी बहुत बड़ी। इस जमीन पे फैक्ट्री तो नहीं, पर तेरी समाधि जरूर बनवा दूंगा। अरे यहाँ गांव में अगर इस कमजोर किसान पे क्या अपनी ताकत दिखाते हो, अगर इतना ही मर्द बनने का शौक है तो वहाँ शहर में जाके अथॉरिटी से अलर्ट करवाओ ना, जब देखे हम तुम्हारी मर्दानगी। वैसे तूने गलती माफ करने वाली तो करी नहीं है, लेकिन फिर भी तू अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो चुपचाप इस किसान के कागज वापस कर दे। प्यो प्यो हुंदा ते पोत पोती हुंदा। तुझे एक मुसाफिर समझ के छोड़ रहे हैं, यानी तुझे तेरा ऐसा कीमा बनाते कि तेरी धूल भी हाथ रहती। तूने जिस गरीब किसान को सताया है ना, तेरी गलती माफ करने वाली नहीं है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तू इसके खेतों में काम करेगा और ये आराम फरमाएगा। चल थोड़े बेकार लाग ले रहा जोर।